सो हे गाइस, वेलकम, नमस्ते, स्वागत, कैसे हो, उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, डंकी मूवी के ऑफिशियल टीजर को लेकर एक बड़ी अपडेट हम सबके बीच आ चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, इस मूवी के टीजर को लेकर क्या अपडेट आई है वो आपको और डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली ऐसी ही अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं क्या अपडेट आई है इस मूवी के टीजर को लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जो डंकी मूवी है शाहरुख खान की इस साल की थर्ड मूवी होने वाली है, क्योंकि इससे पहले शाहरुख खान की ऑलरेडी दो मूवी आ चुकी हैं, जिनमें से फर्स्ट मूवी आई थी पठान एंड उसके बाद जवान। एंड दोस्तों, ये दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई है, लेकिन इसके बाद हमें जल्दी डंकी मूवी भी इसी साल देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि 22 दिसंबर को देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। एंड दोस्तों, आपको बता दें एसआरके की ये जो मूवी होने वाली है सबसे यूनिक मूवी होने वाली है, क्योंकि इससे पहले शाहरुख खान की जितनी मूवी आई है वो एक्शन मूवी थी 2023 में, लेकिन दोस्तों ये जो मूवी होने वाली है उन सबसे अलग ही होने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बन रही है मूवी, जो कि काफी अच्छी मूवी होने वाली है। इस मूवी में शाहरुख खान के साथ विकी कौशल, तापसी पन्नू एंड उनके अलावा भी कई सारे स्टार हमें देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के टीजर को लेकर जो अपडेट आई है उसके बारे में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मूवी के टीजर को लेकर जो अपडेट आई है वो ये है कि इस मूवी का जो टीजर है हमें सलमान खान की टाइगर 3 मूवी के साथ देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। हालांकि इस मूवी के मेकर्स ने अभी तक इस मूवी की टीजर को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन चर्चाओं में आ रहा है कि इस मूवी का टीजर हमें सलमान खान की टाइगर 3 मूवी के साथ देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी के चलते हुए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।